हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में, हमारे इंटरनल बॉडी में, या फिर एक्सटर्नल तौर पर कैसे काम करता है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं। सो एज यू कैन सी हियर इज द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये क्या होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज मैनी रेगुलेटरी प्रोसेसेस। जैसे कि हमारे बॉडी में, जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल या फिर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है किसके, इक्विलिब्रियम की यानी कि बैलेंस की, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में किसके कारण, ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन, जो कि हमारा कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है इंटरनल बॉडी में, ऑफ द बॉडीज मैनी रेगुलेटरी प्रोसेसेस, जो बॉडी की बहुत सारी रेगुलेटरी प्रोसेस है इंटरनल बॉडीज की, उनके कारण। तो एक ये बैलेंस मेंटेन करता है हमारी बॉडी की, जो बहुत सारी रेगुलेटरी प्रोसेस है इंटरनल बॉडी की, उनमें या उनके कारण जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए, उनके लिए एक बैलेंस का काम करता है। इट इज़ ए डायनेमिक कंडीशन, एक डायनेमिक कंडीशन होती है। अब होम्योस्टेसिस और बॉडी फ्लूड्स का क्या कॉम्बिनेशन है या क्या रिलेशन है, तो इसमें है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस इज मेंटेनिंग द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूड्स डायल्यूट। तो बॉडी फ्लूड्स तक हम रहने देते हैं। तो एक एस्पेक्ट क्या है इसका, एक जरूरी एस्पेक्ट ये है होम्योस्टेसिस का कि ये मेंटेन करता है वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, यानी कि जो बॉडी के, बॉडी फ्लूड्स का जो वॉल्यूम है उनका वॉल्यूम मेंटेन करता है, उनकी कंपोजिशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है डायल्यूट कॉमा वाटरी सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व्ड केमिकल्स दैट आर फाउंड इनसाइड सेल एज वेल एज सराउंडिंग देम। अब बॉडी फ्लूड्स क्या होते हैं, डायल्यूट वाटरी सॉल्यूशंस होते हैं दैट कंटेनिंग डिजॉल्व केमिकल, जो कंटेन करते हैं डिजॉल्व केमिकल, घुलने वाले केमिकल दैट आर फाउंड, जो कहाँ मिलते हैं, इनसाइड द सेल, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उनके अंदर, या फिर सेल्स की सराउंडिंग्स में, चारों ओर वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द फ्लूड्स विद इन सेल्स इज ICF एंड द फ्लूड्स आउटसाइड बॉडी सेल इज ECF। जो बॉडी सेल के अंदर जो फ्लूड है उसको बोलेंगे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूड यानी कि ICF, और जो सेल के सराउंडिंग्स में होता है या सेल के बाहर होता है उसको हम बोलेंगे ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। नेक्स्ट लाइन है इसमें ECF दैट फिल्स द नैरो स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ टिश्यूज इज नोन इंट्रास्टेटियल फ्लूड्स। तो ECF जो होता है यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो होता है, जो क्या करता है, फिल करता है जो नैरो स्पेस है किसमें, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज में के बीच में, जो सेल्स के जो बने हुए टिश्यूज होते हैं उनके बीच में जो नैरो स्पेस है उनको फिल करने का काम करता है ECF। और क्या जाना जाता है उस चीज को, हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेटियल फ्लूड हम बोलते हैं। अब ECF विदिन, अब इसका जो ECF है वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जब वो होता है या सराउंडिंग्स फिल करता है तो उसको अलग नाम से हम जाने जाते हैं, अलग नाम से हम उसको अलग नाम देते हैं। तो नंबर फर्स्ट है ECF विद इन ब्लड वेसल्स इज टर्म ब्लड प्लाज्मा। जो ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड ब्लड वेसल्स में होगा उसको हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा। नाउ सेकेंड है ECF विद इन लिम्फेटिक वेसल्स, उसको हम बोलेंगे लिम्फ, यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स में जो हमारा फ्लूड होगा ECF जो होगा उसको हम लिम्फ, वो वहाँ पे बोला जाएगा अगर लिम्फेटिक वेसल्स में वो प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक वेसल्स मैंने पहले भी बताई हैं, ये बेसिकली काम करती हैं इम्यूनिटी का, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो लिम्फ परफॉर्म करता है उस पार्ट को। ECF अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इट इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। तो ECF जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों ओर होगा वो जाना जाएगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड के नाम से। जॉइंट्स में जो होगा फ्लूड वो जाना जाएगा साइनोवियल फ्लूड के नाम से। लास्ट है इसमें ECF
ऑफ द आईज इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस बॉडी। तो आंखों में जो फ्लूड ईसीएफ जो होगा वो जाना जाएगा एक्वस ह्यूमर या फिर विट्रस बॉडी के नाम से। तो ये होम्योस्टेसिस क्या होता है और बॉडी फ्लूड्स और होम्योस्टेसिस का क्या कॉम्बिनेशन है, या उनके बीच में आप कह सकते हो क्या कनेक्शन है, और ईसीएफ को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको क्या नाम से हम जानेंगे, ये सारा हमने इसमें पढ़ लिया। नाउ हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का हम कंट्रोल कैसे करें। तो इसमें है होम्योस्टेसिस इज द ह्यूमन बॉडी इज कंटिन्यूअसली बीइंग डिस्टर्ब, होम्योस्टेसिस इन द ह्यूमन बॉडी इज कंटिन्यूअसली बीइंग डिस्टर्ब। होम्योस्टेसिस जो होता है यानी कि बैलेंस जो होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है हमारी बॉडी के इंटरनल्स पार्ट्स में, तो वो रेगुलरली या कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब होता रहता है। सम डिस्टर्बेंस या डिसरप्शंस कम फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इंसल्ट सच एज लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर 2 माइल रन। सम जो कुछ डिस्टर्बेंस हैं वो आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, किस कारण हमने कोई फिजिकल कोई वर्क किया है सच लाइक अगर हमने 2 माइल अगर हम भागे हैं तो हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हम प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी जो है हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम है CO2 O2 का वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है अदर डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट इन द इंटरनल एनवायरनमेंट सच एज ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट फॉल्स टू लो व्हेन यू स्किप ब्रेकफास्ट। इंटरनल एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल अगर हम दें कि कैसे डिस्टर्ब होता है इक्विलिब्रियम हमारी बॉडी का, मान के चलिए अगर हमने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अप या डाउन होगा, तो उसके कारण से हमारा जो बॉडी का इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली द बॉडी हैज मैनी रेगुलेटरी सिस्टम दैट कैन यूजुअली ब्रिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट बैक इन टू बैलेंस। तो फॉर्चुनेटली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंटरनल सिस्टम्स होते हैं जो अपने आप ही हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। इसका एग्जाम्पल है नर्व सेल जो होती हैं वो नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हार्मोन जनरेट करके बैलेंस करता है। तो बहुत सारे इंटरनल सिस्टम ही होते हैं, अगर हमारा होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो रहा है बाय बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रोसेस या बाई मीन्स ऑफ एनी इंटरनल प्रोसेस, तो अपने आप ही बॉडी जो है उसको कवर अप कर लेती है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम, नर्व्स इम्पल्स जनरेट करके, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन जनरेट करके। सो ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस एंड बॉडी फ्लूड्स और उसका डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम फर्दर पार्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट होम्योस्टेसिस में होता है फीडबैक सिस्टम। क्या होता है फीडबैक सिस्टम, कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करता है? तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, द बॉडी कैन रेगुलेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट थ्रू बाय मैनी फीडबैक सिस्टम। बॉडी जो है फीडबैक सिस्टम की हेल्प से अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको रेगुलेट करती है। ए फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच अ स्टेटस ऑफ ए बॉडी कंडीशन इज मॉनिटर्स इवेलुएट चेंज्ड रीमॉनिटर्ड एंड सो ऑन। ए फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप एक साइकिल होती है इवेंट्स की, जिसमें बॉडी कंडीशन का जो स्टेटस होता है वो मॉनिटर किया जाता है कि बॉडी कंडीशन क्या है, इंटरनल बॉडी में क्या चेंज हो रहे हैं उनको इवेलुएट किया जाता है, चेंज किया जाता है और रीमॉनिटर किया जाता है, यानी कि मॉनिटर करके उनमें देखते हैं कि अगर उनमें कोई चेंजेस हैं, मतलब यानी कि उनमें कोई चेंजेस हो सकते हैं, हार्मोन रिलीज होके कोई चेंज हो सकता है, पहले की तरह जो हमारा होम्योस्टेसिस है या बैलेंस है वो आ सकता है, तो वो करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, फिर चेंज करते हैं जो रिक्वायर्ड चेंज होता है, फिर उसको रीमॉनिटर करते हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। ये होता है फीडबैक सिस्टम। इसमें क्या है आगे, ईच मॉनिटर्स वेरिएबल सच एज बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टर्म एज कंट्रोल कंडीशंस। तो ईच मॉनिटर वेरिएबल, जैसे कि हर एक मॉनिटर वेरिएबल जो मॉनिटर किया जाता है ड्यूरिंग फीडबैक सिस्टम, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ये इनको नाम दिया जाता है सबको, कंट्रोल्ड कंडीशन इनको नाम दिया जाता है। अब एनी डिसरप्शन या फिर डिस्टर्बेंस दैट चेंजेस ए कंट्रोल कंडीशन नोन एज स्टिमुलस। कोई भी डिस्टर्बेंस जो चेंज करता है बॉडी की कंट्रोल कंडीशन को, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलस, उसको स्टिमुलस बोला जाता है।
आगे है, ए फीडबैक सिस्टम इंक्लूड्स थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। बॉडी का फीडबैक सिस्टम जो है तीन बेसिक कंपोनेंट्स इंक्लूड करता है। नंबर फर्स्ट है रिसेप्टर, नंबर सेकंड है कंट्रोल सेंटर, नंबर थर्ड है इफेक्ट। नंबर फर्स्ट क्या है रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर दैट मॉनिटर्स चेंजेस इन अ कंट्रोल कंडीशन। तो क्या करता है रिसेप्टर, एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जो मॉनिटर करता है चेंजेस किस कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन में। कंट्रोल कंडीशन मैंने बता दिया आपको कौन सी कंडीशन कंट्रोल कंडीशन बोलते हैं। सेकंड है अ कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर का क्या काम होता है या क्या करता है ये। कंट्रोल सेंटर इन द बॉडी फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन सेट्स द रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन विच अ कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन। तो क्या होता है बॉडी में, एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि ब्रेन जो है सेट करता है रेंजेस, किसकी, रेंजेस ऑफ वैल्यूज विद इन विच ए कंट्रोल कंडीशन शुड बी मेंटेन। यानी कि ब्रेन जो है अपनी जो वैल्यूज की एक रेंज डिसाइड करता है जिस रेंज के अंदर जो कंट्रोल जो कंडीशंस हैं वो हमारी चेंज नहीं होंगी। रिसीव फ्रॉम रिसेप्टर एंड जनरेट आउटपुट विद व्हेन इट इज नीडेड। और ये कैसे काम करता है कि रिसीव करता है, रिसीव करता है कहाँ से, रिसेप्टर से, और जब रिक्वायरमेंट होती है यानी कि इस तरीके से वो रिलीज करता है, आउटपुट देता है ब्रेन, कि हमारा जो होम्योस्टेसिस है बॉडी का जो बैलेंस है इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो कंट्रोल सेंटर इस तरीके से काम करता है। बेसिकली कंट्रोल सेंटर का मतलब है कि जितनी आवश्यकता है बॉडी को उतना आउटपुट रिलीज करना विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ आर बॉडी। नेक्स्ट है एन इफेक्टर, इफेक्टर क्या होता है, इट इज अ बॉडी स्ट्रक्चर दैट रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम अ कंट्रोल सेंटर एंड प्रोड्यूस अ रेस्पॉन्स और इफेक्ट दैट चेंजेस द कंट्रोल कंडीशन। इफेक्टर क्या होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो रिसीव करता है आउटपुट कहाँ से, कंट्रोल सेंटर से, और प्रोड्यूस करता है एक रेस्पॉन्स या इफेक्ट जो चेंज करता है कंट्रोल कंडीशंस को। अगर मान के चलिए हमारी कंडीशंस जो हैं बॉडी कंडीशंस या बॉडी का जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं है, मतलब होम्योस्टेसिस हमारा इफेक्ट हुआ है, तो इन्होंने कंट्रोल सेंटर सेंटर से जो चीज़ें रिसीव हुई हैं वो रिसीव करेगा और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो इफेक्टर शो करेगा और इसको रीमॉनिटर करेगा। और इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी जैसा कि मैंने इसके डेफिनेशन में बताया था, फीडबैक सिस्टम की डेफिनेशन में ये। अब ऑपरेशन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम, एक हम इसको फ्लो चार्ट में अगर हम देखें कि ये ऑपरेट आउट कैसे होता है हमारे बॉडी में फीडबैक सिस्टम, तो नंबर फर्स्ट है सम स्टिमुलस डिस्टर्ब्स होम्योस्टेसिस। तो सम स्टिमुलस ये जो मैंने बताया है एनी डिस्टर्बेंस जो कंट्रोल कंडीशन में चेंज करता है वो कहलाता है स्टिमुलस। तो ये होम्योस्टेसिस को, सम स्टिमुलस डिस्टर्ब्स होम्योस्टेसिस, डिस्टर्ब करते हैं होम्योस्टेसिस को कैसे, बाय इंक्रीज और डिक्रीज ए कंट्रोल कंडीशन दैट इज मॉनिटर्ड बाय रिसेप्टर। कैसे करते हैं डिस्टर्ब, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे हमारी कंट्रोल कंडीशंस को जो कि मॉनिटर की जा रही है रिसेप्टर्स के द्वारा। मैंने इसे बताया रिसेप्टर्स मॉनिटर करते हैं कंट्रोल कंडीशन की चेंजेस को। नेक्स्ट है दैट सेंड इनपुट, जो क्या करते हैं इनपुट सेंड करते हैं। और सेकेंड क्या होता है नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स टू, तो ये सेंड करते हैं इनपुट या फिर नर्व इम्पल्स या केमिकल सिग्नल किसको, कंट्रोल सेंटर को, जिसका एग्जाम्पल हमने ब्रेन दिया था कंट्रोल सेंटर को, दैट रिसीव द इनपुट एंड प्रोवाइड्स। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, रिसीव करता है इनपुट को, प्रोवाइड करता है क्या आउटपुट, क्या करता है आउटपुट प्रोवाइड करता है। और नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स आउटपुट प्रोवाइड करता है, या फिर नर्व इम्पल्स या केमिकल सिग्नल किसको, इफेक्टर्स को, दैट ब्रिंग अबाउट ए चेंज। क्या करता है इफेक्टर को, वो कन्वे करता है आउटपुट को, आगे बढ़ाता है इफेक्टर को भेजता है, और इफेक्टर क्या करते हैं एक चेंज प्रोड्यूस करते हैं जिसका रेस्पॉन्स क्या निकलता है, रेस्पॉन्स दैट ऑल्टर द कंट्रोल कंडीशन। उसका रेस्पॉन्स निकलता है कि वो कंट्रोल कंडीशन को ऑल्टर करता है, बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है इफेक्टर। और फिर अगर हम इसका वापस से क्या होगा, यहाँ पे बैक में कंट्रोल कंडीशन दैट मॉनिटर्स तक ही जा रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है देयर इज अ रिटर्न टू होम्योस्टेसिस व्हेन द रेस्पॉन्स ब्रिंग द कंट्रोल कंडीशन बैक टू नॉर्मल। तो ये रिटर्न हो जाता है टू किसको, होम्योस्टेसिस को, जब रेस्पॉन्स जो है कंट्रोल कंडीशन बैक टू नॉर्मल हो जाती है ना, यानी कि जो हमारी कंट्रोल कंडीशन नॉर्मल थी और उनमें कुछ चेंजेस हुए थे जो कि इफेक्टर कंट्रोल सेंटर और रिसेप्टर द्वारा मिलकर सही कर दिए गए, बैलेंस कर दिए गए, तो
तो वो क्या करता है, जब नॉर्मल हो जाती हैं तो रिटर्न टू होम्योस्टेसिस, रिटर्न कर हो जाता है होम्योस्टेसिस, यानी कि ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहती है। सो ये मैंने बता दिया कि फीडबैक सिस्टम होता क्या है, होम्योस्टेसिस या फिर फीडबैक सिस्टम का क्या रिलेशन है, कैसे कंबाइन होते हैं ये फिर फीडबैक सिस्टम क्या काम करता है, इसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और इसका एक फ्लो चार्ट मैंने इसका प्रोसेस आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम, दे आर बेसिकली टू टाइप्स, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, नंबर सेकेंड है नेगेटिव। तो अब हम उनका फ्लो चार्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सो दीज आर द फ्लो चार्ट्स ऑफ बोथ फीडबैक्स, नंबर फर्स्ट है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नंबर सेकेंड है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में वो कैसे काम करता है, तो नंबर फर्स्ट है सम स्टिमुलेंस डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस, जो सम स्टिमुलेंस हैं वो डिस्टर्ब करते हैं होम्योस्टेसिस को, कैसे, बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बाय इंक्रीज ब्लड प्रेशर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, बोरो रिसेप्टर्स इन सर्टेन ब्लड वेसल्स सेंड इनपुट टू नर्व इम्पल्स। तो रिसेप्टर क्या करेंगे, सर्टेन ब्लड वेसल्स को इनपुट सेंड करेंगे, नर्व इम्पल्स को इनपुट सेंड करेंगे। फिर क्या होगा, कंट्रोल सेंटर में जाके ब्रेन इंटरप्रेट्स इनपुट एंड सेंड्स, ब्रेन जो है इनपुट को सेंड करेगा या फिर इंटरप्रेट करेगा और फिर उस इनपुट को सेंड करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, आउटपुट या फिर नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी, आउटपुट जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। इफेक्टर क्या करेगा, हार्ट और ब्लड वेसल्स इन दोनों पे वो इफेक्ट करेगा। और लास्ट क्या होगा, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। और लास्ट क्या इसका आउटपुट निकलेगा, जो इसमें जो चेंजेस होंगे वो किए हैं, इन डिक्रीज हो रहा है हार्ट रेट और डिक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, इसका जो रिजल्ट हमको मिला है वो मिला है कि हार्ट रेट डिक्रीज हुआ है और हार्ट ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अब इसका रिटर्न वाला जो है, जो एक साइकिल पूरा परफॉर्म होता है उसमें है, रिटर्न टू होम्योस्टेसिस व्हेन रेस्पॉन्स ब्रिंग्स बीपी बैक टू नॉर्मल। तो जब रेस्पॉन्स जो है, बीपी जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो ये होम्योस्टेसिस की तरफ रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली नेगेटिव सिस्टम हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक है, इसमें नेगेटिव आउटपुट हमको मिल रहा है। सो ये पूरा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, इसका पूरा प्रोसेस है कि कैसे कैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है वो इसमें पार्ट प्ले करता है फर्दर। ये हो गया नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो अब अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की, तो इसमें हमने यूट्रस का एग्जाम्पल लिया है। इसमें है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ यूट्रस फोर्स बेबीज हेड और बॉडी इन टू द सर्विक्स, दस इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन जब होता है यूट्रस की वॉल्स में, तो फोर्स करती है बॉडी, बेबी के बॉडी या फिर बेबी के हेड को किसके लिए, किसमें, इन टू द सर्विक्स। और उसमें उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होती है स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स। फिर रिसेप्टर्स का पार्ट प्ले होता है इसमें, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स इन सर्विक्स। तो इसमें क्या करता है, स्ट्रेच करता है रिसेप्टर सेंसिटिव नर्व सेल्स जो होती हैं सर्विक्स में वो। और नेक्स्ट क्या होता है, वो सेंड करती है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर कंट्रोल सेंटर में जाके ब्रेन जो है इंटरप्रेट्स करता है इनपुट को और रिलीज करता है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इफेक्टर, इफेक्टर क्या करता है, मसल्स इन वॉल ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट मोर फोर्सफुली। तो इफेक्टर्स का इसमें क्या होता है, मसल जो है, मसल्स जो हैं यूट्रस की वॉल की, वो क्या करती हैं, मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और नेक्स्ट क्या होता है, बेबीज बॉडी स्ट्रेचिस सर्विक्स मोर। तो इसमें क्या होता है, बेबी की जो बॉडी होती है वो सर्विक्स को मोर स्ट्रेच करती है। और इसका जो पूरा साइकिल के लिए जो पॉजिटिव फीडबैक है वो क्या करता है, इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स कॉज रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीटोसिन विच रिजल्ट इन मोर स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स। पॉजिटिव फीडबैक में इसका जो साइकिल सिस्टम है इसमें क्या है, ये इंक्रीज स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स की, तो वो कॉज करता है रिलीज करने के लिए मोर ऑक्सीटोसिन, जिससे क्या होता है, मोर स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स होती है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है और ये नेगेटिव फीडबैक है। दोनों में अलग अलग एग्जाम्पल हैं। इसमें हमने ब्लड प्रेशर का एग्जाम्पल दिया है, उसमें हमने यूट्रस का एग्जाम्पल दिया है। सो दीज बोथ आर द फ्लो चार्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक रेस्पेक्टिवली। सो
मैंने आज इसमें आपको बता दिया होम्योस्टेसिस क्या होती है, फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं फीडबैक सिस्टम्स में, बॉडी में ये कैसे अपना काम करते हैं और कैसे हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं, हमारे इंटरनल बॉडी को एज वेल एज एक्सटर्नल सिस्टम को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ फार्म केशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। Thank you.